subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Highest structural value, 50 plus amenities, prime location, and this all at 10 Marina Bay. So why settle for something less? Live life limitless. महाराष्ट्र के कई गांव के हिस्सों में आपदा का संकट पसरा हुआ है। इसी को देखते हुए बेलापुर मतदार संघ के नागरिकों ने आपदा ग्रसित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एकजुट होकर हाथ बढ़ाया है। इसी को देखते हुए विधायक मंदा मात्र ने लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत देने के लिए आगे आए, लोगों की सराहना करते हुए अपना योगदान दिया और कहा बारिश की वजह से ग्रसित हुए चिपलून महाड़ के नागरिकों तक जरूरी सामग्री बेलापुर के मतदार संघ के लोग राशन किट तैयार करके पहुंचा रहे हैं और आपदा में फंसे लोगों की सहायता करना हमारा फर्ज है। आज ऐसे है कि आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में बारिश की वजह से जो पूर्व परिस्थिति निर्माण हुई उसमें माड़ है, चिपलून है, पूरा महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र है, वहाँ बहुत ही लोगों को दिक्कत हो रही है। आज भी वहाँ पर गाड़ियाँ चिखल निकल रहा है, लोगों को दवाई नहीं मिल रही, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मगर हमारे ये सीबीडी के हमारे युवा मंडल है, जो हमारे विनय मोरे जी है, उसको हम प्यार से बंडू कहते हैं, हमारी स्वाति गुर के नगर सेविका, उनकी पूरी टीम, सीबीडी के लोग, व्यापारी लोग, सीबीडी के पुलिस लोग और सभी कार्यकर्ता ने मिलके आज ये मदद का एक ही दिन का आह्वान किया था लोगों के लिए और लोगों ने इतनी सारी मदद लाके दी है और कम से कम 400 से 500 लोगों के घर में मदद जाने वाली है। कल ये लोग चिपलून और माड़ के लिए निकलने वाले हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही है कि एक आह्वान से इन लोग ने एक दिन में इतना साहित्य इकट्ठा किया है। आगे हम लोग कल नहीं भी रहेंगे तो भी हमको चिंता नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी आज सीबीडी में तैयार हो गई है। हमको हमेशा चिंता रहती थी कि हमारे बाद में ये काम कौन करेगा, मगर आज मैं देखकर मुझे बहुत समाधान हो रहा है दिल में कि इन बच्चों ने किसी ने भी नहीं कहने से भी आज ये लोग अपना अपना फर्ज अपने पड़ोसी के लिए कर रहे हैं। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनको एक कहना चाहती हूँ, जैसे आप जाओगे आप संभाल कर जाना, गाड़ी का रास्ता है, बारिश का टाइम है, और संभाल कर आना, लोगों को मदद देना और भी अपने को दवाई की मदद इसके आगे जाके करनी है, उसके लिए भी हम बच्चे लोग ये मिलके आह्वान करेंगे। मैं इनको बहुत ही इनका दिल से धन्यवाद देती कि सीबीडी हमेशा, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ आने दो, हमेशा सीबीडी ने राज्य में, देश में जिधर भी मुश्किल आई तभी पहले हाथ मदद का किया और आज ये बच्चे लोग कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मैं शुभेच्छा देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अभिमान होता है, बहुत गर्व होता है कि एक खाली निवेदन करने से लोग इतने इकट्ठा होके, अभी आपने देखा, अभी भी अपन युवा मोर्चा से ट्रक भेजे, कल जाने वाले, परसों जाने वाले, रोज जा रहे हैं। तो बेलापुर मतदार संघ में जो लोग हैं उनको दिल है, लोगों के लिए प्यार है, सहानुभूति है, संकट को सभी मिलकर हम साथ देंगे संकट के टाइम में, तो ये संकट जल्दी निकल जाएगा और हमारी युवा टीम बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए समाज सेवक विनय मोरे, पूर्व नगर सेविका स्वाति गुरखे,
समाज सेवक सतीश देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिबडी एकमेव असा आहे की एक छोटासा गावाप्रमाणे आहे, त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी सर्व राजकीय पक्षाच्या वतीने नागरिकांना आवाहन केलं, व्यापाऱ्यांना आवाहन केलं आणि एक आवाहन केल्यानंतर ही संपूर्ण मदत कोकणासाठी या ठिकाणी उभी राहिलेली आहे। मागील वेळेस अशा प्रकारे आम्ही केरळसाठी मदत केली, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी मागील वेळेस आम्ही कोल्हापूर सांगलीसाठी मदत केली आणि यावेळेस ही मदत कोकण मध्ये चिपळूण आणि महाडसाठी आम्ही या ठिकाणी आव्हान केल्यानंतर ही मदत या ठिकाणी तयार झालेली आहे। याच्यासाठी आम्हाला अनेक म्हणजे आदरणीय मंदाताई म्हात्रे यांचं देखील मार्गदर्शन लाभतं, त्यांची उपस्थिती लाभते आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्णपणे राजकारण न करता, राजकारण विरहित फक्त आपण मदत हा उद्देश समोर ठेवून ही संपूर्णपणे मदत या ठिकाणी फक्त व्यापारी, नागरिक, मित्रपरिवार, सामाजिक संस्था आणि विशेष पोलिसांनी देखील या ठिकाणी आम्हाला मदत केलेली आहे। हे उल्लेखनीय बाब आहे आणि यापुढे देखील विना राजकारण करता कोणत्याही प्रसंगाला सामोरे जात असताना आम्ही एकत्रितपणे काम करू हा एक वेगळा आदर्श देण्याचा देखील आम्ही संकल्प या माध्यमातून सोडलेला आहे। परिस्थितीमध्ये खऱ्या अर्थाने कुठलंही राजकारण न करता सीबीडीतली सगळी मंडळी, मग ती राजकीय मंडळी असू देत, वर्ग व्यापारी वर्ग असू देत, सर्वसामान्य नागरिक असू दे, अगदी छोट्या कोलगेटपासून, छोट्या ब्रशपासून लोकांनी स्वतःहून येऊन मदत केलेली आहे। तर मला असं वाटतं सीबीडीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं राजकारण कधीच नव्हतं, सगळी मंडळी एकत्र बसतात पहिल्यापासून, म्हणजे मी फार लहान असल्यापासून बघते आणि ही सगळी मंडळी कधी पक्ष न समोर ठेवता एकत्र राहिलेली आहेत आणि ही खरी वेळ होती की आपण पक्ष न बघता मदत करणं गरजेचं होतं आणि अशा वेळेला बंडूदादांनी आहे, आमच्या मंदाताई आहेत, ही सगळी मंडळी समोर आली, यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि अशा प्रकारचं आम्ही, तुम्ही हे बघू शकता, मागे आम्ही जो मदतीचा हात पुढे करत होतो त्याला लोकांनी खरंच सरळ हाताने मदत केली आणि उद्या 500 किट आम्ही तिथे महाडमध्ये चिपळूणमध्ये पोचवण्याचा प्रयत्न करणार आणि खऱ्या अर्थानं प्रत्येक ज्या गरजूपर्यंत आम्ही पोचण्याचा मनापासून प्रयत्न करतो आहे आणि अशीच मदत या पुढेही करत राहणार या सर्वांच्या आशीर्वादाने। अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ लोगों ने किट बनाए हैं, उसमें उन्होंने खुद सोचा है कि हाँ इस परिवार में अगर हम आज न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं किस तरह की परिस्थिति है तो वहाँ पे मॉर्निंग रूटीन से लेके ब्रश से लेके एक एक पैकेट में एक ब्रश, एक साबुन, एक कपड़े धोने का साबुन, इस तरह से लोगों ने प्रॉपर किट बना के यहाँ पे दिए गए हैं। तो लोगों ने भी सोचा है कि हाँ किस तरह की मदद हमें करनी चाहिए और लोग उस तरह से सोच के इस तरह की मदद कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई है देख के कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग सहानुभूतिपूर्वक, मतलब लोग बहुत सोच रहे कि हाँ हमें इस तरह की मदद करनी चाहिए हर तरफ। मतलब आप देख रहे हैं वहाँ पे बहुत कीचड़ है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए वाइप करने के लिए वाइपर्स दिए गए हैं। तो इस तरह से लोगों ने बहुत सोच समझ के यहाँ पे मदद की है और सीबीडी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की मदद करने। सुबह 7 बजे गाड़ी लोड होगी, 9 बजे मैं खुद इन बच्चों के साथ जा रहा हूँ और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व है कि ताई को, मतलब हमारी जो मंदाताई है, यहाँ के MLA है, उनको मैं 30 साल से जानता हूँ। 30 साल से उन्होंने जो सेवा की है वो मैंने आँखों से देखी है। हर साल वो कुछ ना कुछ बड़े काम करते हैं। उसमें एज एक विश्वविख्यात जादूगर, इल्यूजनिस्ट के रूप से मैं हमेशा सहभागी उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। परसों क्या हुआ, मुझे न्यूज़ आई कि महाड़ और चिपळूण में 5 जादूगर पूरा के पूरा घर बह गया। उनके घर में कम से कम अपने घुटनों तक क्या बोलते, कीचड़ बोलते उसको, वो कीचड़ था। और वो जादूगर इंटरव्यू दे रहा था टीवी पे, हंसते हंसते रो रहा था वो। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक जादूगर होने से नाते से मेरा एक कर्तव्य है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। तब मैंने इमीडिएटली विनय जी को कहा, विनय जी इमीडिएटली अनाउंस करो और हमें कुछ मदद जमा करनी है। विनय जी ने सिर्फ एक दिन में, उनकी इतनी ब्यूटीफुल आवाज़ है, उस आवाज़ में उन्होंने रिकॉर्ड किया, 5 मिनट में वो वीडियो बना गया और एक दिन भी पूरी वो 24 घंटे भी नहीं हुए, 12 घंटे में ये सारी मदद हमारी आना चालू हुआ। और फिर मैंने स्वाति जी को, ताई जी को, इनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम चल रहा है, जारी रखिएगा। कल सुबह 9 बजे पुलिस ऑफिसर्स हमारे यहाँ के, पुलिस चीफ हमारे जो कार्यकर्ता है, वो लोग सब इकट्ठा हो गए, झंडा दिखाया जाएगा, गाड़ियाँ निकलेगी, मैं खुद गाड़ियों के साथ जा रहा हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ कि सही लोगों को वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। थैंक यू और आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ तक आए, लोगों तक पहुँचाइए और ऐसे ही मानवता का संदेश पहुँचाइए। वीडियो जानकारी साथ ही साथ पंकज बिरवंशी की रिपोर्ट।
नवी मुंबई. सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़.